हेलो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए स्पेशल वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 के परीक्षा में कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं। तो चलते हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्नों की सूची में सबसे पहला प्रश्न आता है, स्थिर विद्युत के कूलम्ब के नियम को लिखें एवं समझाएं। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ फॉर स्टैटिक चार्ज। फिर दूसरा प्रश्न आता है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके कारण विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना सामान्य स्थिति में पोजीशन आर और एंगल थीटा में करें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर एंड एंगल थीटा इन जनरल कंडीशन। फिर तीसरा प्रश्न आता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हुए विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर चौथा प्रश्न आता है, गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। इस प्रमेय के उपयोग से अति लंबे आवेश बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। राइट द गॉसेस लॉ एंड प्रूफ इट एंड फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर्स। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है ये 2022 के इम्तिहान में भी पूछा गया था कि गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न दोबारा से नहीं पूछा जा सकता है। हो सकता है इस प्रश्न के साथ कुछ और भी चीजें ऐड करके और पूछा जा सके। जैसा कि हमने यहाँ पर गॉस के प्रमेय के साथ अति लंबे आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक प्रश्न बनाया है कि गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें, इस प्रमेय के उपयोग से अति लंबे आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। अब ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गॉस की प्रमेय के मदद से किसी आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। और छठा प्रश्न है, संधारित्र क्या है, इसकी धारिता को परिभाषित करें। संधारित्रों के श्रेणीक्रम एवं समांतर क्रम समूहीकरण के समतुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्हाट इज कैपेसिटर, डिफाइन इट्स कैपेसिटी। Find the expression for the equivalent capacity of series and parallel grouping of capacitor. फिर सातवां प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। Find the expression for capacity of parallel plate capacitor. फिर आठवां प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में रखे गए यौगिक प्रवैधुतांक के कारण धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर नौवा प्रश्न है, संधारित्र द्वारा संग्रहित ऊर्जा और संधारित्र के संयोजन के कारण ऊर्जा के ह्रास का व्यंजक ज्ञात करें। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इट्स शेयरिंग। और आखिरी प्रश्न है, वान डी ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों की आप अच्छी तैयारी कर लेंगे। यदि आप इन 10 प्रश्नों की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट की एक कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी और इसकी सहायता से आप ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन प्रश्नों का आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।